एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने का तरीका मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC चाहिए आपको 12 बड़ा बाजार बीकानेर June 2020। तो एड्रेस आ गया आपका। अब किसको कर रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे द हेड मास्टर। स्कूल का नाम लिख दिया मान लो मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति बीकानेर। आगे तरीका समझ में आ गया। बड़ा बाजार बीकानेर द हेड मास्टर मदर टेरेसा स्कूल का नाम बीकानेर। फिर लिख देंगे सर श्रीमान मैडम हो तो मैडम एडमिनिस्ट्रेटर हो तो मैडम लिख देंगे। मोस्ट रेस्पेक्ट फुली आई बैग टू सी डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है। तो आई शैल रीड देयर मैं वहीं पढ़ूंगा। तो उसने बताया कि मैं कक्षा 4-5 का विद्यार्थी हूँ। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर। मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है। आई शैल रीड देयर मैं वहीं पढ़ूंगा। प्लीज इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। थैंकिंग यू योर्स ऑबिडेंटली नेम लिख दो क्लास लिख दो। तो कोई कठिन नहीं है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। आसानी से आप याद कर सकते हैं लिख सकते हैं। क्या करना है सबसे पहले एड्रेस दो तारीख दो फिर जिस स्कूल में लिख रहे हैं हेडमास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर है उसको स्कूल का नाम बीकानेर लिख दो फिर सर लगाओ सॉल्यूशन के लिए फिर लिख दो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है। आई शैल रीड देयर मैं वहीं पढ़ूंगा। प्लीज इश्यू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कृपया मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे जारी करें। इश्यू मैंने जारी करना इश्यू IEEE इश्यू मैंने जारी करना। थैंकिंग यू और योर्स ओबिडेंटली नेम और कक्षा लिखनी है। तो इस प्रकार एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सरल है आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। लिखकर इनको याद करें।